सो भाई कितना जबरदस्त व्यू नजर आ रहा है, पानी ना देखो ऐसा लग रहा है उबाल आ गया हो जैसे, कितने प्रेशर से यहाँ पर गंगा जी में जल जाते हुए ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के बराबर तक आ चुका है। तो बेसिकली कह सकते हैं गंगा जी इस वक्त उफान पर है हरिद्वार में। देख सकते हैं कितने बड़े पिलर यहाँ पर ढह गए और यहाँ पर लाइट भी है और कितना बड़ा पेड़ देखो गंगा जी में बह चुका है, अटक गया है, जिसको गैस कटर की हेल्प से काट कर निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे आपको पता ही होगा भाई, इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जो सावन के महीने में इस बार जो बारिश हुई थी रिकॉर्ड तोड़े पिछले कई सालों के, और जगह जगह पर मतलब तबाही भी देखने मिली। तो ऐसे में जो आज की वीडियो इसी अपडेट पर होने वाली, क्योंकि जैसे कि रेड अलर्ट था भाई 16 तारीख का जो ऑरेंज अलर्ट था और 17 का रेड अलर्ट था, और वैसे भी अभी आने वाले 4-5 दिन तक बारिश भी होने वाली। तो ऐसे में दिखाएंगे आज हरिद्वार का स्टेटस आपको, गंगा जी का स्टेटस भाई, गंगा जी में कितनी क्वांटिटी में भी जल आ रहा है। सो गाइस देख सकते हैं माँ गंगा जी की बहती पावन जलधारा। सो गाइस जल की स्थिति यहाँ पर अभी सामान्य है, बेसिकली इस ओर जल कम छोड़ा गया है। देख सकते हैं रेलिंग अभी नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक, तो बेसिकली थोड़ा बहुत ही पानी है, अदरवाइज जो रेलिंग डूब जाती है इतना पानी यहाँ पर चलता रहता है। तो इसमें फिलहाल जो यहाँ पर जल कम नज़र आ रहा है, अब देखें भाई साहब नीलधारा गंगा जी में जो मेन गंगा जी गंगा रिवर है उसमें कितनी क्वांटिटी में जल जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ गंग नहर जो जाती है उसमें इस वक्त जो जल नाम मात्र का ही छोड़ा गया है। सो इस वक्त हम हैं कावड़ मेला पटरी मार्ग पर सिंहद्वार के पास, और यहाँ पर देखो कितना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जो अभी ये बारिश हुई है ना 2023 में सावन के महीने में खासकर, उसने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग रोड, मजबूत रोड बनी हुई है, यहाँ पर पास में ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुई। और देख सकते हैं कितने मोटे मोटे यहाँ पर पिलर्स बह गए, बेसिकली इस तरह की दीवारें ये बनी हुई थी यहाँ पर, कितनी मोटी हैं जॉइंट दीवार ये बह चुकी, ये देख सकते हैं इधर के पिलर्स वगैरह ये ज़्यादा बह गए। और यहाँ पर एक लाइट और पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ है, बहुत मोटा पेड़ है, ज़बरदस्त पेड़ है, और जिसकी हाइट भी काफ़ी थी और काफ़ी पुराना पेड़ था। ऐसे में इसकी जड़ें जो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं मिट्टी के काफ़ी अंदर तक होती हैं, तो बेसिकली जो रात में बारिश हुई ना उसने यहाँ पर ये सब कुछ बहा दिया। जो 17-18 तारीख की रात में जो बारिश हुई ना, ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई, और जबकि जो कि आने वाले 4-5 दिनों का अभी मौसम भी ऐसी बारिश वाला ही रहने वाला है। तो ऐसे में देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये कितना बड़ा विशाल पेड़ जो गंगा जी में गिर चुका है। सो गाइस इस वक्त आ चुके हैं हम नीलधारा गंगा जी किनारे, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो जल जा रहा है, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं उस एंड तक, मतलब कितनी दूर का हिस्सा है वो, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर जल जा रहा है, और यहाँ पर गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। उस ओर देखो मैं आपको जूम कर दिखाऊँ ना, एक लड़का है जो कि ट्यूब लेके गया हुआ लकड़ी पकड़ने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी लकड़ियाँ बहकर आती है गंगा जी में, तो वो देख लेते हैं उसको ट्यूब के सहारे अपने साथ बहा कर लेके जाते हैं साइड में, और साइड में जाकर निकाल लेते हैं। इस तरह के टापू बने हैं, उन टापू के ऊपर जाके इस तरह से निकालते हैं। अब देखो वो कितना अंदर जा चुका है इस वक्त, देखो बिल्कुल बीच में जा चुका है। ऐसा मैं थिंक वो वेट कर रहा है, कोई बड़ी लकड़ी आएगी तो उसको बहा के लेके आएगा। और इस तरह से काफ़ी सारी लकड़ियाँ बीच में टापू पर इकट्ठा कर देते हैं, फिर टापू से बहा के किनारे पर ले आते हैं। तो फिलहाल सीन कुछ इस तरह का चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आज जो जल देख रहे हो ये किनारे तक पहुँच चुका है। मे भी हो सकता है 1-2 दिन अगर लगातार बारिश होती है तो उससे क्या होगा, गंगा जी का जल स्तर जो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। देख रहे हो यहाँ पर भी एंड तक पहुँच चुका है, और जल अगर बढ़ता है ना, जिस साइड वाले प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, इनके लेवल तक आ जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जल आता है। अभी देखो हम जिस टक्कर पर के पास खड़े हैं ना, वहाँ से पानी किस तरह से टकरा रहा है, और यहाँ पर भाव देखिए सुगा यहाँ पर क्या ज़बरदस्त बहाव है, और यहाँ पर जो लहर उठ रही है ना, भाव उठ रहा ना, वो लिटरली काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जिसमें से नॉइज़ निकल रहा है ना साउंड, वो आँखों से देखने से कानों सुनने से ज़्यादा बेटर लग रहा है। इस वक्त देखते हैं नीलधारा गंगा जी पूरी तरह से भरकर चलते हुए, गंगा जी इस वक्त उफान पर है, और इस वक्त जब हम खड़े हैं ना यहाँ पर हाई टर्न आता है, बेसिकली एल टाइप का टर्न आता है। देख रहे हो गंगा जी उस ओर से आती हैं, सामने की ओर है चंडी घाट वाला पुल, और उस ओर से गंगा जी आती हैं इस ओर इस तरह से, और यहाँ पर एकदम सी टर्न है, ये एल टाइप का टर्न है। बेसिकली कुछ लोग इस जगह को जो एल पॉइंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं माँ गंगा जी का रोत रूप। हम एल पॉइंट के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर देखो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो गंगा जी के अंदर जो लकड़ियाँ बहकर आ रही है ना उसको निकाल रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेकर जाएंगे और जिनको बेच देंगे, और मे भी इकट्ठा घर में चूल्हा जलाने में भी काम लें, जिस पर खाना वाना बनाएं। जैसे में यहाँ पर जो गंगा जी का जल का लेवल है ना, वो एंड पॉइंट है, तो टकरा रहा तो देख सकते हैं
जो प्लेटफॉर्म है ना ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के बराबर तक आ चुका है। तो बेसिकली कह सकते हैं गंगा जी इस वक्त उफान पर है हरिद्वार में। सामने को और देख सकते हैं चंडी घाट वाला पुल, और भाव देखिए जो पानी टकरा रहा है ना उसकी जो आवाज़ है ना एक बार आप वो सुनिए। तो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सप्तऋषि गंगा जी के किनारे, सप्तऋषि घाट जिसे बोलते हैं आगे की। और जो गंगा जी है ना वो सात धाराओं में बह जाती है। बेसिकली यहाँ पर सात ऋषियों ने तपस्या की थी और गंगा जी की धारा उनको बचाने के लिए सात भाग में बढ़ गई थी, जिस वजह से जगह का नाम सप्तऋषि पड़ा। आगे और देखो टापू से नज़र आ रहे हैं ना, और जो फिलहाल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में जो गंगा जी में जल जाते हुए। और अभी जो जल है ना, जल का जो क्वालिटी है या जो जल का जो कलर है पूरा मिट्टी वाला हो चुका है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अभी जो गंगा जी में ना रेत आ रही है, बेसिकली मिट्टियाला या मिट्टी वाला जल आ रहा है इस वक्त गंगा जी में। सो गाइस भीमकोटा बैराज पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं उस और जो गेट टूटा हुआ ना अभी बेसिकली वो हटाया नहीं गया, इस तरीके से अटक गया जिसको गैस कटर की हेल्प से काट कर निकाला जा रहा है। और अभी बैराज का रास्ता भी बंद कर दिया गया। देखो इस और जो बड़ी सी क्रेन खड़ी है ना, क्रेन को लगा कर रास्ता बंद कर दिया गया। और देखो मैं जल दिखाता हूँ इस और से जाते हुए जो बैराज से निकलकर जो जल जाता है ना वो व्यू देखो कितना जबरदस्त नज़र आ रहा है यहाँ से। ओहो सो भाई कितना जबरदस्त व्यू नज़र आ रहा, पानी ना देखो ऐसा लग रहा है उबाल आ गया हो, जैसे जैसे पानी उबल रहा हो, पूरा रेतीला मिट्टियाला जल भाई अभी। और कितनी जबरदस्त भाव के साथ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में नीलधारा गंगा जी से जाते हुए। सो गाइस देख सकते हैं ये गेट जो कितने जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है, स्लो अटक गया है, जिसको गैस कटर की हेल्प से काट कर निकाला जाना है। बेसिकली जिस एंगल से गिरा ना ये मतलब लोक हो गया है, जैसे में इसको काट कर निकाला जा रहा है। और आगे भी ना बहुत बड़ी क्रेन खड़ी हुई, अभी जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस देख सकते हैं कितनी बड़ी क्रेन है ये जो गेट को उठाने के लिए लाई गई थी, हैवी ड्यूटी क्रेन। हालांकि गेट इससे भी नहीं निकला नहीं क्योंकि गेट जो फंस चुका है। और यहाँ पर देखो लहरें देखो क्या जबरदस्त उठ रही हैं, कितने प्रेशर से यहाँ पर गंगा जी में जल जाते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बहुत ज़्यादा। और ऐसे में जो गेट भी सारे यहाँ पर ओपन किए गए हैं, जैसे में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में रेतीला जल जा रहा है, जो ऊपर पहाड़ों पर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है ना उससे जो गंगा जी का जल जो पूरी तरह से रेतीला मटियाला इस वक्त हो चुका है। और भाई जहाँ पर हम खड़े हैं ना ये एक बैराज है और यहाँ से जो हरकी बॉडी गोर जल जाता है और यहाँ पर ना जल ऑलमोस्ट पूरी तरह से बंद किया गया है। जैसे मैं देख सकते हैं इस ओर सप्तऋषि की ओर से नीलधारा गंगा जी में जलाते हुए और यहीं से होते हुए भीमकोटा बैराज से चला जाता आगे की ओर। और यहाँ पर है ये बैराज, भीमकोटा बैराज, जो कि बहुत बड़ा बैराज है। यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर भाई बंदरों की फैमिली यहाँ पर रेस्ट करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए खुजली करते हुए एक दूसरे के। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रेशर के साथ जो जल बह रहा है। और अभी जो यहाँ पर एक गेट टूटा था ना वो रिपेयर करते हुए टूटा था, जब उसको ऊपर उठाया गया था ना तो आई थिंक जो लिफ्ट थी उससे वो छूट गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ गेट रिप्लेस होने थे। तो ऐसे में जो आज की वीडियो में दिखाया आपको हरिद्वार गंगा जी के ताज़ा हाल, भाई जैसे पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है उससे जो गंगा जी नीलधारा का स्तर, गंगा जी का जल स्तर जो कितना बड़ा है और ऑल कितनी क्वांटिटी में जल आ रहा है वो दिखाने का प्रयास किया। एक छोटी सी भी अपडेट वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।